यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों की मदद के लिए एक अभिभावक की तरह मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बाल श्रम उन्मूलन के लिए बाल श्रम से जुड़े 8 से 18 साल के बच्चों को योगी सरकार पढ़ाई में मदद करेगी। इन बच्चों की मदद के लिए यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की। मुख्यमंत्री योगी ने बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बालकों को 1000 रुपए प्रति माह और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं 8वीं, 9वीं और 10वीं की पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को इस मासिक प्रोत्साहन राशि के अलावा 6000 रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है, बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहाँ पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे तो अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। अटल आवासीय विद्यालयों में भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं उन निर्माण श्रमिकों के साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि जो ये 5 कैटेगरी तय की गई है, अनाथ बच्चे हों, माँ बाप दिव्यांग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उनके सामने नहीं है, किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और कोई भी उनके पास रोजी रोटी का दूसरा चारा नहीं है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है कि परिवार की भूमिहीन है, ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने उस श्रेणी में रखा है और उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माण की एक बड़ी कार्रवाई को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। सरकार ने इसके लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इसके तहत पहले चरण में उन 57 जिलों में ऐसे 2000 बच्चों का चयन किया गया है जहां बाल श्रम के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। इन बच्चों के परिवारों को सरकार सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इन बच्चों को सभी श्रेणियों की छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।